पांच गुरु साहिबान को गुरुआई का तिलक लगाने वाली और श्री हरमिंदर साहिब के पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा साहिब जी के ऐतिहासिक स्थल गुरुद्वारा बीड साहिब के पुरातन कुएं से ऐतिहासिक महत्व के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये बर्तन ऐतिहासिक कुएं की खुदाई के दौरान जब मिले तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें संगत के दर्शनों के लिए रख दिया है। इन बर्तनों को उस समय कुएं से जल बाहर निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। इस संबंध में जानकारी देते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भाई मनजीत सिंह ने बताया कि इनकी सेवा संभाल अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा की जा रही है। पुरातन ऐतिहासिक कुएं की खुदाई करवाकर इसे फिर से प्रयोग में लाया जाएगा। धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष जिन्हों का मान स्थान है, सामने सुशोभित है। ये उन्होंने स्थान के उत्ते एक इतिहासक खूह आ जिदी सेवा 1751 भंगी मिसल के जड़े जहेदार से हरी सिंह जी उन्होंने करवाई सी, और उस तो पहले कच्चे से उन्होंने फिर छोटी इट दाले जी आसारी करवा दी। और पुरातन समय के जड़िया खेती सी वह खूह तो सिंजी जाती सी, और सामने तो जड़िया टिंडा ने कच्चिया टिंडा ने और इन्हों रस्सी बन के तो इन राही पानी जोड़ा प्राप्त करके तो खेतों पाया जाता सगा। बहुत पुरातन इतिहासक खूह आ, और तुम वेखो ये दोवें पास ना बड़ी सेध में आ, पिछले पास जो पिपल लगे ने बड़ी सेध में लगे आ। और ये खुदाई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो इतों के मैनेजर साहबान ही सारे ने रल के तो अज तो कुछ चेर पहला आके जड़े वेखे इतिहासक दरख्त भी वेखे पिपल भी, तो मैं इन्होंने कहा कि आप खुदाई करा के थल्लों का पानी जोड़ा है जो थल्लों निकलूगा तो वनू आप संगत वास्ते और खास करके जी संगत इतने आँदी है वो वास्ते इतने को बोर करा के आप उपराला आप करना चाहिए। सो इस स्थान पर सेवा निभा सतगुरों की कृपा के सदका ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी के जीवन प्रथाए जन्म साखी बाबा बुढ़ा साहब जी लिखण का सुभाग प्राप्त होया। उस पुस्तक के असी इस खूह का जिक्र किया और लंबे समय तो विचार चलती आ रही थी, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलों ये जो पुरातन इतिहासक खूह है जिमें कि बाबा बुढ़ा साहब जी गुरद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जी विखे स्थान है, और पुरातन खूह जिहड़े सी बहुत सारे कच्चे होया करते, बाद कई खूह जिहड़े सी पत्थरां नाल बने, जिवें असीं गल कर रहे सी 1751 दे विच निक्की इट दे नाल इस खूह की पकियाई की गई। उन्हां समयां दे दौरान इस खूह के उपर दो मालां चलदियां सी, इह दो हरटा कहा जांदा जिहदे उपर दो मालां चलदियां ने, और यह जिहड़ी खुदवाई है जिन्नियां भी संगतां बाबा बुढ़ा साहिब जी दे चरण परसन आउंदियां ने उन्हां विच्चों साडे सारे वीर जिहड़े रल के सेवा करदे ने हत्थीं खुदाई कर रहे ने, तो जिहड़ी थल्ले रेत है उहदे विच्चों काफ़ी सेम आउणी शुरू हो गई है। आस है कि जिहड़ा जल है वह भी छेती आ जूगा, जिस वेले भी जल जिहड़ा उहदी सतह तक सानूं प्राप्त हो जाता है फिर इसे जिवें पुराने खूह चलदे सन बलदां दे नाल उस तरह यह खूह जिहड़ा है उहदी जिहड़ी आ मुड़ निर्माणता करवाउण दे नाल चलाया जाएगा, तां कि दूर दुराडे तो आईआं होईआं संगतां जिहड़ियां इस खूह का जल भी छक सकन, और जिहड़ा साडी पुरातन विरासत जिहड़ी है असीं वह भी जिहड़ा संगतां दे सामने रख सकीए जी। सो कुछ टिंडा सानूं पहलां प्राप्त होईआं सी, तीन पहलां प्राप्त होईआं सी, कुछ अज होईआं, इन्हां दे विच्चों जिहड़ियां ते कुछ जिवें खुदाई करदिआं समझां पुराणीआं होण करके टुट जांदीआं, जतन बड़ा करदे वीर बड़े प्यार नाल सेवा करदे आ फिर भी, तो जिन्नियां भी साडे कोल टिंडा जिहड़ियां साबित बचियां उन्हां नूं असीं संगतां दे दर्शन करन वास्ते जरूर रखांगे तां कि जिहड़ी साडी आउण वाली जनरेशन जिहड़ी आ उह वी आपणीआं विरासती चीज़ां दे नाल जुड़ सके। भुपिंदर सिंह, दिव्या पंजाब टीवी, भिखीविंड।